हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन से ऑयल के साथ अपने हेयर्स पे मसाज करती हूँ, कितनी देर मसाज करती हूँ। और ये जो ऑयल है, आज मैं जो आप को लोगों को ऑयल दिखाने जा रही हूँ, ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है। इस ऑयल को लगाने से मैंने खुद फ़र्क महसूस किया है अपने हेयर्स की लेंथ में भी, और मेरे हेयर पहले से ज़्यादा सिल्की भी बने हैं इस ऑयल को लगाने के बाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि रात को सोने से पहले हमेशा आप चोटी बना के सोएं, या तो दो चोटी बना के सोएं या फिर एक चोटी बना के सोएं। तो मैं हमेशा दो चोटी बना के सोती हूँ। तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपनी चोटी को, तो जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं। तौर तेरी अंबरा दा मून सुन ले, चट्टी तेरी हो जू हुन सुन सुन ले, तेरे मेरे बिच गिरा कोई आ गया, पानिया दे वांगू डुल्लू खून सुन ले, पानिया दे वांगू डुल्लू खून सुन ले। वे मैं इन्नी भी नी पाई जट्टा काली ही, वे तू हौली हौली कर दे मनाली, तू दिल नेड़े आके देख ले। हमने खोल ली है अपनी चोटियां। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज करती हूँ। तो मेरे पास है, ये देखिए, ये वाला ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लगभग 3-4 महीने से एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही हूँ, और मैं इसके अंदर एलोवेरा डाल के लगाती हूँ। लेकिन आज मैं एलोवेरा नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ ये वाला ऑयल ही लगाऊंगी। और ये वाला जो ऑयल है, ये प्योर कोकोनट ऑयल है, प्योर जिसको बोलते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की गई है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई प्योर चीज़ अपने स्किन पे या फिर अपने हेयर्स पे लगाएंगे, तो आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका प्राइस है 350 रुपये, लेकिन अगर आप अमेजोन से खरीदेंगे तो ये आपको थोड़े डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अभी आप ये सोचेंगे, और ये है कितने ml की बोतल है, ये है 200 ml की बोतल। ये बोतल आपके 6 या 7 महीने आराम से निकाल देगी, ठीक है ना। और आपको ये डिस्काउंट में भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाए, या फिर आपके हेयर थोड़े से शाइनी सिल्की बने, आपके हेयर ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। मैं इसको इसी को यूज कर रही हूँ, और मैं इसी को ही यूज करती रहूँगी। और जहाँ तक कोशिश हो, आप अपने हेयर पर एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल ही लगाएं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लगाएं, क्योंकि ये इन ऑयल्स में कोई भी केमिकल नहीं होता। तो चलिए लगाते हैं हम अपने, ये देखिएगा। और आपको बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है अपनी स्कैल्प पे फिंगर टिप्स के साथ। फिर दूसरी साइड लेंगे, और आपको इसको ज्यादा नहीं लगाना है। इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके हेयर्स के लिए बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चिकना है, बहुत ही ज्यादा। तो आपको इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। और सच में ये जो ऑयल है, इसने मेरे हेयर्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क किया है, बहुत ही ज्यादा। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप स्पॉन्सर वीडियो करते हैं, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस ऑयल ने मेरे हेयर्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये ऑयल शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर अच्छे बने और आपका हेयर फॉल ना हो ज़्यादा, तो आप इस ऑयल को लगा सकते हैं। देखिएगा, आपको बिल्कुल। और बहुत बार मुझे बोलते हैं कि हमारे है ना दो मुंह में बाल हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप जब भी ऑयल लगाएं, आपके हेयर्स की एंड पे लगाना ना भूलें।
जरूर से भी जरूर लगाएं, चाहे कोई होम रेमेडी लगाएं या फिर कोई होम रेमेडी ना भी लगाएं, तो आप अपने हेयर्स की रूट्स पे, जैसे अभी विंटर है, विंटर में हम दही नहीं लगा सकते क्योंकि दही ठंडी होती है, तो आपको करना क्या है, आपके जो नीचे के हेयर हैं उनके ऊपर आप दही लगा के, हेयर वॉश करने से पहले दही लगा लें 2-3 घंटे और छोड़ दें। सिर्फ आप इतने से हेयर्स में लगा सकते हैं दही और फिर आप उनको छोड़ दें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपके दो मुंह बालों की जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। सबसे पहले आप अपने हेयर्स को नीचे से कट करें, ठीक है, अगर आपके दो मुंह बाल हैं तो। अगर आपके बीच बीच में से भी दो मुंह हेयर हैं तो आपको करना क्या है, आपको थोड़े से हेयर लेने हैं और उनको थोड़ा सा इस तरह से करना है, थोड़ा सा ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर उनको ऐसे 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 करके थोड़े से जो ये हेयर ऐसे निकल जाएंगे तो उनको कैंची के साथ ऐसे काट देना है, ठीक है। और अदरवाइज आप दही लगा सकते हैं विंटर में, आप स्कैल्प पे ना लगाएं, आपके हेयर्स की नीचे वाली लेंथ में लगा सकते हैं आप, तो आपके दो मुंह बालों की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। तो अभी लगाएंगे हम बैक साइड, और फिर आपको करनी है अच्छे से मसाज। मसाज भी आपको फिंगर टिप्स के साथ करनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ऐसे मसाज करने से आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी, तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं अपने हेयर्स पे। तो ये हो गई हमारी मसाज, और फिर आपको बना लेना है और फिर आप इसको 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लें। आप देखिएगा कि इस ऑयल को यूज करने के बाद अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल रुकेगा, जो मैंने बताया है दो मुंह बालों के लिए, अगर आप वो रेगुलरली करें, अगर आप इस ऑयल को यूज करेंगे आप देखिएगा कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपके दो मुंह बालों की प्रॉब्लम है, अभी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है, आप दही लगाएं, अच्छे से ऑयल लगाएं, और अगर ज्यादा ही दो मुंह बाल हैं पहले उनको कट करें और फिर आप ये प्रोसेस करें, दही लगाने वाली प्रोसेस। आप देखिएगा कि आपको 1 मंथ में ही आपको आपके हेयर्स में मतलब कि दिखने लग जाएगा कि आपके दो मुंह जो हेयर है वो चले गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।